लुसेंट जी के पॉलिटी का ये हमारा पोर्शन जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो 12 अनुसूचियाँ कुल याद रखना है और किस अनुसूची में किस किस चीज़ों को दिया है ये हमको इसमें पढ़ना है। फर्स्ट प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 इसके केंद्र शासित प्रदेश है इनके बारे में जानकारी दी हुई प्रथम अनुसूची में। याद रखना है प्रथम अनुसूची, पूरी 12 अनुसूची एक लाइन से याद करना है। प्रथम अनुसूची 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उल्लेख दिया है। ठीक है, संविधान का 69वां जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया था। याद रखना है प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक मतलब राज्यों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसका उल्लेख है। द्वितीय रखना है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में हमको भारत के राज्यों के बारे में चर्चा की गई है और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। तो सेकंड वाला याद रखना है, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची याद रखना है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। अब देखिए याद कैसे रखोगे, तृतीय अनुसूची के बारे में पूछेगा या पूछेगा कि शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, तो यहाँ पर यह हो गया शपथ और तृतीय पूछा है, तृतीय तो तीन, एक शब्द दो तीन, मतलब तीन शब्द इसमें है और तीन शब्द इसमें, लॉजिक लगा के याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा शपथ किस में है, पद ग्रहण संभालते समय जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में। आगे चलते हैं यहाँ से चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा के सदस्य जो बनते हैं उसके प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है, इतना याद रखना है, चौथी अनुसूची मतलब राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा में जो भी व्यक्ति जाता है उनकी उनका आवंटन कैसे होता है उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में। अगला देखिए पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन की जानकारी दी हुई है, उल्लेख किया गया है मतलब कि जो विभिन्न पदाधिकारी है। तीसरी में शपथ का उल्लेख किया। चौथी में राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है उनका विवरण है। पांचवा जो है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। आई होप आपको पूरी पांचों अनुसूची याद हो गई होगी। आगे चलते हम छठी अनुसूची, याद रखना है छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। तो इसको अब याद रख लीजिए, असम ए, त्रिपुरा टी और ये हो जाएगा MM, ये ऐसा याद रख लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य के जो जनजाति के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची यहाँ पर लिस्ट का उल्लेख है। लिस्ट का मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची क्या बोलती है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सातवीं अनुसूची याद रखना है जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में बात की गई है और इसी के अंदर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है। फिर से रिपीट कीजिए, पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी उल्लेख मिलता है उसका, द्वितीय अनुसूची जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की जानकारी, तृतीय मतलब तीन शब्द है जिसमें शपथ की जानकारी मिलती है, विभिन्न पदाधिकारियों को अपना पद ग्रहण करते समय दी जाने वाली शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है इसका उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में जनजाति, छठवीं अनुसूची में मिजोरम, असम और मेघालय इनमें जनजाति क्षेत्र प्रशासन के बारे में बात की गई, इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आप लोगों को याद रखना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे चलते हैं यहाँ पर आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची देखिए यहाँ पर इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन, इसमें सिंधी को 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन, इसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 2003 में 92वां संशोधन में, मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय भाषाएं
22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची याद रखना है, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में और डिटेल। 9वीं अनुसूची यह संविधान में, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे चलते हैं यहाँ से और 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल, मतलब जैसे कि कोई एक व्यक्ति पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। याद रखिएगा 10वीं दल बदल 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची, तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। पंचायती राज्य, इसमें टोटल 29 विषय है, 11, 9 और 2, 11 ऐसे याद रख सकते हो आप। तो यहाँ से 9 और 2, 11 की बात हो सकती है, 29 विषय है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल कितने विषय है, तो 29 विषय है। और कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। तो 9 और 2, 11 से याद रख लीजिएगा 11वीं अनुसूची। आगे चलते हैं और लास्ट 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो इतना याद रखना है, यहाँ पर पूरी की पूरी 12 अनुसूची हम लोगों ने पढ़ ली है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। पहली अनुसूची इसमें राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसकी बात की गई। दूसरी अनुसूची की बात करते तो दूसरी अनुसूची में इसमें वेतन आदि की बात की गई है, वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची की बात करते तो यहाँ पर शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची की बात करते तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई है, उनका प्रतिनिधित्व करना है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। छठवीं अनुसूची में यहाँ पर कीजिएगा असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के बंटवारे, संघ राज्य और केंद्र संवर्ती सूची के बारे में बात की गई। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं के बारे में बात की गई। 9वीं अनुसूची इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और मिलित विषय इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया था। 10वीं दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 था। 11वीं अनुसूची जिसमें कि पंचायती राज्य से संबंधित बात की गई और कुल मिलाकर इसमें 29 विषय 9, 2, 11 से आप याद रख सकते हो। और 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आप इसको पूरा याद कर लीजिए। 12 अनुसूचियाँ एक बार में क्लियर कर लीजिए, मैंने आप लोगों को 12 अनुसूची बता दी है, फिर से मैं इसका रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र के बारे में बात की गई है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बात की गई, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई, चौथी अनुसूची में यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई, पांचवी अनुसूची में जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बात की गई, छठवीं अनुसूची में मेघालय असम त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में बात की गई, संघ राज्य और संवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषा है, नवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण जो है ये इसमें विषय जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जिसमें 29 विषय 9, 2, 11 से याद रखना है, और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जिसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ में क्लास लूँगा। याद रखिएगा लुसेंट कंटिन्यू पॉलिटी हमारा लुसेंट जीके का चल रहा है, तो उसको याद रखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।